समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अब आरएलडी के साथ नहीं है क्योंकि आरएलडी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर, आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। उत्तर प्रदेश में अब सियासी तस्वीर बदल चुकी है। इस सियासी तस्वीर में समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अब आरएलडी के साथ नहीं है क्योंकि आरएलडी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीते कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि आखिरकार आरएलडी का फैसला क्या होगा, क्या आरएलडी बीजेपी में शामिल हो जाएगी और अगर ऐसा होता है तो इंडी गठबंधन को कितना बड़ा झटका लगेगा। तो देखिए, अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। शनिवार की शाम केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ में हमने ये देखा कि जेपी नड्डा भी मौजूद थे और उस दौरान एक मुलाकात हुई, वो भी आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ में। और इस मुलाकात के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि आरएलडी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, समाजवादी पार्टी को जो है यहां पर झटका दे दिया है। आपको बता दें कि एक के बाद एक तमाम इंडिया गठबंधन को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। देखे तो हम क्षेत्रीय दलों के हिसाब से, तो देखिए वहां पर क्षेत्रीय दल जो है वो एक के बाद एक अपने कदम पीछे हटा रही है। हर राज्य में बीजेपी को बड़ी मजबूती मिलती जा रही है। इसी बीच में अब उत्तर प्रदेश में भी जहां समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में उभरी है, वहां पर यह देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है कम से कम नहीं भी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारा झटका दे सकती है, बराबरी की टक्कर देगी। लेकिन अब उन्हीं के सहयोगी दल जो है वो एक के बाद एक दामन छुड़ा रहे हैं। इसी बीच में हमने ये देखा है कि शिवपाल यादव से भी बीते दिनों कई सारे सवाल पूछे गए थे, उनसे भी ये पूछा गया था आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी जो है वो पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जयंत को जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, वो बीजेपी का साथ नहीं देंगे। उस दौरान उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठाया था, ये भी कहा था कि मीडिया की तरफ से ये परोसा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास पूरी तरह से जो है यहां पर पुष्टिकरण के साथ बिल्कुल साफ हो चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो ये राजनीति हलचल मची है, उस राजनीति हलचल ने बहुत सारे समीकरण को बदल करके रख दिए हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन पर। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में जो जाट समुदाय पर एक पकड़ जयंत चौधरी की है, वो अब अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा करेगा। अब देखिए, यहां पर जो ये मुश्किलों का जो दौर अखिलेश यादव से लेकर के पूरे इंडिया गठबंधन के लिए उठ रहा है, उससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम राज्यों में बीजेपी अपनी एक अलग पकड़ के साथ आगे बढ़ रही है और विपक्ष वहां पर धराशाही होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महुआ खबर।